टेंथ क्लास के आठवें अध्याय यानी त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज 8.4 के पांचवें प्रश्न पर आज हम पहुंच गए हैं। और ये पांचवा प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें इस प्रश्न के सभी पार्टों में से कुछ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो पहला पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूफ करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये लेके आना है। तो 1 कोसिकेंट थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इसके बारे में हम पहले ही आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा लघुतम है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कई बार इस सूत्र को बता चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें यही मिल रहा है, इसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो हम देखते हैं इस स्क्वायर से ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया, यही सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, ये वजह यानी कॉस स्क्वायर ए, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो हम जानते हैं 2 गुणा में 2 हो तो क्या हो जाता है 2 का वर्ग। तो यहाँ पर एक जैसी दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको आगे देखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, तो ये तो कॉज स्क्वायर ए है ही, और फॉर्मूला एक हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी यानी ए ये है और बी ये है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी यानी 1 इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल आसान है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है हम जानते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉज ए। अब इसी को आगे हम देखेंगे, तो 1 पर 1 2 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब शायद आप समझ गए होगे, आगे कर सकते हो। तो देखो क्या है 2 1 प्लस साइन ए, यानी यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पर 1 और प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉज ए, और 1 अपॉन कॉज ए क्या होता है
सीकेंट ए ये हम जानते हैं, तो इसको क्या ले सकते हैं, टू इंटू सीकेंट ए, टू इंटू सीकेंट ए, और यही हमें लेके आना था, यानी राइट हैंड साइड यही हमें सिद्ध करना था, बहुत ही आसान था। थर्ड पार्ट है टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू वन प्लस सीकेंट थीटा डॉट कॉसिकेंट थीटा, हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन वन माइनस कॉट थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है प्लस कॉट थीटा को यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज रखा और इसका एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन लेके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यही यहाँ पर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ऐसे ही हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहीं से समझने की बात है, इसको हम पलट के लिखेंगे, इट मींस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, यहाँ पर क्या है कॉस है नीचे तो ऊपर कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा इनटू ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा बदलाव कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा बदलाव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इस प्लस को यदि हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने सिर्फ ये वाला टर्म एक जैसा करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई है, यानी इसको किया है, और आज ये जो प्रश्न है इसी से बहुत आसान हो जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो हम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो हम देखते हैं, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ये कॉस थीटा भी हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, क्या बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहीं पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है, यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ये फॉर्मूला है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब इसको देखो इसी में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है हम जानते हैं, तो वन प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से सही लिखा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या बचाएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इनको दोनों को हम तोड़ के लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
तो ये हो गया वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों कट गए यानी वन आ जाएगा। तो इसको हम आगे लिख देते हैं वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इंटू ये होता है सीकेंट थीटा, तो यही हमें लाना था वन प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होगा। फोर्थ पार्ट है वन प्लस सीकेंट अपॉन सीकेंट इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉज ए, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या है, इसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइडों को एक साथ लेकर चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो वन प्लस सीकेंट ए को हम लिख देंगे वन अपॉन कॉज ए अपॉन वन अपॉन कॉज ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉज स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉज स्क्वायर ए, इसको हम एज इट इज रखेंगे वन माइनस कॉज ए। अब देखो इसमें कॉज ए हमने ले लिया एलसीएम, तो क्या आ जाएगा कॉज ए प्लस वन कॉज वन इंटू कॉज ए प्लस वन एज इट इज रहेगा अपॉन वन अपॉन कॉज ए इक्वल टू वन माइनस कॉज स्क्वायर ए, यानी इसको हम वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसका वन का स्क्वायर वन ही आता है। अब देखो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी यही लग जाएगा वन माइनस कॉज ए इंटू वन प्लस कॉज ए, यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी वन माइनस कॉज ए वन प्लस कॉज ए अपॉन वन माइनस कॉज ए। तो अब देखो ये वन माइनस कॉज ए से ये वन माइनस कॉज ए कट गया, इसको हम क्या करेंगे वन प्लस कॉज ए आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन कॉज ए, और इस बटे को डिवाइड को हम यदि मल्टीप्लीकेशन में लिखें तो क्या हो जाएगा कॉज ए अपॉन वन, तो इक्वल टू क्या हो गया वन प्लस कॉज ए, और इस कॉज ए से ये कॉज ए कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा वन प्लस कॉज ए इक्वल टू वन प्लस कॉज ए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था। इसको बराबर नहीं लेंगे और लिखते जाएंगे और इस तरीके से। तो ये आपने आशा करता हूँ आसानी से समझ लिया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। आशा करता हूँ आज के मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा। यदि आपने समझ लिया, वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है और यहाँ पर आपको इसी प्रकार से दसवीं कक्षा की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपकी परीक्षाओं तक पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।